नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त मौजूद हैं हम राजधानी पटना के हड़ताली मोड़ स्थित विश्व सरैया भवन में, जहां पर सुबह 7 बजे से ही जो आग है वो इस सरकारी कार्यालय में लगा हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं, पर अभी तक आग पर जो काबू है वो पाया नहीं गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर NDRF की टीम के साथ साथ SDRF की टीम भी मौजूद है, और साथ ही साथ जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जो लोग भी अंदर फंसे थे उन्हें सुरक्षित बाहर लाया गया है, पर अभी तक जो आग पर काबू है वो नहीं पाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 6 टीमों के तरफ से आग पर काबू पाने के लिए जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तमाम जो टीम है वो मौजूद है, और जितने भी दमकल की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और जिला प्रशासन की तरफ से पटना के DM, पटना के SSP और फायर ब्रिगेड की DG भी यहाँ पे मौजूद है। ऐसे में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की DG ने सीधा आरोप जो है वो जिला प्रशासन पे लगाया है कि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कुछ भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जब हमने पटना के DM के साथ साथ पटना के SSP और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की DG से बात की, तो उन तीनों लोगों का क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। 7:30 बजे के आसपास, और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजे हैं, और अभी हम लोग देख रहे थे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो एयरपोर्ट से भी हम लोगों ने एक फायर इंजन मंगवाया है और पूरी टीम लगी है। NDRF की टीम भी हम लोगों ने बुलाया है यहाँ पर, और जो 2 बच्चे फंसे हुए थे 7वें फ्लोर पर जो वहाँ काम चल रहा था, तो कुछ श्रमिक थे तो अपने परिवार के साथ वहाँ रात में थे, 2 बच्चे फंसे हुए, तो उनको निकाल लिया गया है। अभी कोई फंसा हुआ नहीं है, कोई फंसा नहीं है, और हम लोग देख रहे हैं इसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि पाँचवें से 7वें फ्लोर पर है लगभग, और ऊंचाई काफ़ी है, इसलिए थोड़ी कठिनाई हो रही है हम लोगों को, तो उसको देखते हुए हम लोग जो ये लिफ्ट वाले हमारे फायर इंजन है उसको हम लोग लगाए हैं सामने से भी और बैक साइड से भी, और हम लोगों का प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग कंट्रोल कर लें। क्या सर कहा जा रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो वायरिंग है वो भी काफ़ी पुरानी थी, ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं, अभी तो रिनोवेशन काम इसका चल रहा था, और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है पहला, मतलब प्राइमरी रीजन तो यही बताया जा रहा है, लेकिन बाकी आगे तो जाँच का विषय है कैसे लगा है और कैसे क्या कहाँ लापरवाही हुई है, लेकिन अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसको तुरंत कंट्रोल किया जाए। का जवाब मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, इसकी क्लैरिटी आप उन्हीं से ले सकते हैं। CCTV यहाँ पे लगे हुए हैं, आप खुद उसका अवलोकन कर लीजिए कि स्थानीय पुलिस थी कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, सीनियर का जवाब आप उनसे लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो एक्सपर्टीज है उनके एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने बुलाया है, और वो जो भी उनके पास विशेषज्ञ हैं उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया है कि जो भी अंदर, क्योंकि इसका एक अलग से डिज़ाइन होता है, फॉल सीलिंग्स होती हैं अलग से होती हैं, स्पेशल ट्रेनिंग होता है इन लोगों का रेस्क्यू एफर्ट्स में, तो उसी सहयोग के लिए बुलाया गया है। किस विभाग से ये मदद ली जा रही है आग पे काबू पाने के लिए? NDRF से मदद ली जा रही है, SDRF की हमारी टुकड़ी है, और उसके अलावा एयरपोर्ट से हमारे पास अग्निशमन के बड़े वाले जो दमकल हैं वो आए हैं, फायर ब्रिगेड है, और हमारा स्थानीय प्रशासन। क्या इतनी संख्या पर्याप्त है, आगे और पीछे दोनों बिल्डिंग में आग लगी? देखिए, इसका आकलन क्योंकि जिला अग्निशमन पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, इसका आकलन वही करेंगे जिसके जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से, और संसाधन को दो लोगों के फंसने की सूचना है। नहीं, सभी को सेफ्टी रेस्क्यू कर लिया गया, सभी लोगों को सेफ्टी रेस्क्यू कर लिया। मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किट से ये हुआ है, हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि सब बंद कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई UPS जो भी अभी ऑन होगा या जो होगा स्पार्क से हुआ है जो भी, तो अब जो इक्विपमेंट है उसके माध्यम से तो कर ही रहे हैं हम लोग। 16 टीमें आपकी लगी है और 6 सब स्टेशन के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए, खुद आप भी पहुँची हैं, स्थिति काफ़ी भयावह थी देखने को मिल रही थी। मेरे DIG भी हैं, कमांडेंट भी हैं, सब लोग हैं हम लोग, मेरा सब टीम यहाँ पर है, और फायरमैन अभी पीछे से जाके अभी 2 लोगों को वो निकाले भी हैं, और अभी तो कोई है नहीं बिल्डिंग में, तो कोई है नहीं, बट फिर भी हम जो नया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है आगे भी और पीछे से भी कर रहे हैं हम लोग, तो ये दीवार को तोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं था बिल्कुल, तो ये दीवार को तोड़ने में जो टाइम लगा, बिकॉज अनलेस एंटिल मूवमेंट के लिए भी तो चाहिए ना, और वायरिंग सिस्टम जो है बाबा आदम जमाने के वायरिंग सिस्टम है ये, तो अब जितना इक्विपमेंट हम लोग को अवेलेबल है, 14 गाड़ी ऑलरेडी वर्क कर रही है यहाँ पर,
और बाकी और दो ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है, इसको भी मैंने रिपेयर कराया है अभी। ये भी तो बंद पड़ा हुआ था 2 साल से, मैंने इसको रिपेयर करके अभी इसको यूज कर रही हूँ मैं। यहाँ यहाँ का जो सीज फायर सिस्टम है वो भी दुरुस्त नहीं था ये देखा गया। हम लोग कर रहे हैं फायर ऑडिट्स वगैरह लगातार कर रहे हैं। अब ये पुराना वायरिंग सिस्टम भी है तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ओवरहॉल भी कर लेना पड़ेगा सभी बिल्डिंग्स में। हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं हम लोग अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में, तो धीरे धीरे होगा अभी जो भी ये सिस्टम हम लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। पूर्वी हिस्से में आग फैल गई, बड़ी बात है कि जो लोकल पुलिस थी, लोकल पुलिस वो इधर ही आग थी बहुत, अभी इधर बुझा रहे हैं तो अभी उधर भी एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है कार्यरत। तो आपने साफ तौर पे सुना पटना के डीएम और पटना के एसएसपी का कहना है कि जिस तरह से जो आरोप फायर डिपार्टमेंट विभाग की डीजी ने लगाया है वो एकदम गलत है। सुबह 8 बजे से ही जिला प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद थी और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जितने भी लोग अंदर फंसे थे उन्हें सुरक्षित बाहर ला दिया गया है, पर यहाँ पर आपको तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दमकल की गाड़ियाँ हैं उसकी मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से भी जो दमकल की गाड़ियाँ हैं उसे भेजवाई गई हैं और जिला प्रशासन की तरफ से जो टीम है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो NDRF और SDRF की टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और जो अभी तक कारण सामने निकल कर आए हैं कि शॉर्ट सर्किट के वजह से यहाँ पर आग लगी है, आगे की भी क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आएंगे उससे भी हम आपको रूबरू ज़रूर करवाएंगे। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।